सो सुबह सुबह हम लोग यहाँ आए हैं रस रस बढ़िया, ये चाचा जो अभी है रस लेके आए हैं, तो अभी हम लोग अभी जो रस है अभी खाएंगे। तो ये हमारा भाई लोग आया है साथ में, तो हम भी साथ में अभी हम लोग सुबह सुबह अभी सुबह का अभी देखेंगे। तो अभी 6:40 हुआ है, तो अभी हम लोग अभी सुबह सुबह इसलिए उठ के आए हैं कि जो यहाँ पे जो है ये जो रस, इसमें रस रस है, इस डब्बों में जो खेजूर का रस होता है ना, वो खेजूर का रस इसके अंदर है। अभी हम लोग ले कर खाएँगे और इसका टेस्ट जो है किस तरह का वो बताएँगे। ये देख सकते हैं ये चूल्हा है, यहाँ पे जो है गुड़ शक्कर वगैरह मारते हैं और ये टीन में सब रस निकाल के इसमें से खाली इसमें करते हैं। तो अभी ये रस अभी हम लोग खाएँगे, आप लोग देखने वाले हैं रस किस तरह खाएँगे। तो काका ये रस दे दियो, ये रो जाना रस निकालो, हम लोग खाएँगे इसमें। ये पिएगा ना, ले जा ले जा मालिक के ले जा। तो पहले उठो गाड़ा, पहले हम लोग पी लें। एटा दाओ, एटा दाओ रख। না না সেটা নেশা এসে যায় না, সেগুলো খেতে ভালো লাগে না। না না এই এটা ঠিক আছে, এটা পেট ঠান্ডা হলে চলবে নাকি? গরম হয়ে গেলে মজা পেট থাকে, তাও ঠান্ডা থাকলে তাহলে পিবি বাট আরামসে। এ দেখ সকতে হ্যাঁ, এ যো হ্যায় আমার ভাই আবি ট্রায়াল কর রহা হ্যায়, ফিলহাল খা কে কেসা রে ঠিক আছে, তো बैठ के पी, बैठ के पी। चलिए राज मालिक तू दे। ये जो है पूरा नेचुरल, पूरा देसी, पूरा नेचुरल हम लोग अभी खेजूर का रस पूरा है। अभी अभी चाचा जी ने अभी अभी घास से जो है निकाल के लेके आए हैं, तो अभी हम पियेंगे। मजा आ गया, शायद चक्कर आने लगे हमारे को लगता है जिस तरह का। और यहाँ पे जो है ये है शक्कर ले रहे हैं हमरे, जिसको गुड़ बोलते हैं। एक किलो ले हमको, आधा किलो किलो Adam.
একজন ছেলে নাকি না দুটো একটা এগ্রাতে থাকে এরাতে ওখানে কি শ্বশুর বাড়ি दाना पड़ जाए ये सरकार का भी दाना पड़ा है जितना पुराना है ना मट्टी का आखिर में रस पीने की बात, हमने वहाँ से थोड़ा शक्कर गुड़ वगैरह लेने के आने के बाद यहाँ पे जो है ये भाभी जी के पास आए, भाभी जी के पास चाय पी रहे हैं और ये मोरक भी बोल रहा है साथ में, वो भी थोड़ा साउंड दे रहा है, तो हम लोग साथ में चाय पिए भाभी जी के पास। चाय पीने के बाद यहाँ पे हमारा जो है भाई लोग भी पी रहे हैं, तो इसी तरह फिर एक नए वीडियो लेके आऊंगा नए शो के साथ, नए ब्लॉग नए दिन में, तो आप लोग मेरे साथ में बने रहना एंड तक, तब तक अपना ख्याल रखिए।